कंज्यूमेबल गुड्स या आइटम, कंज्यूमेबल आइटम क्या होती है, किसे कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं या कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। ये कंज्यूमेबल आइटम क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले इसका लिखवा रहा हूँ, एग्जांपल देखो इसका क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा स्टेशनरी, स्टेशनरी जो होती है वो हमारी कंज्यूमेबल आइटम की लिस्ट में आती है। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है वो भी हमारा कंज्यूमेबल गुड्स में आता है। उसके बाद देखो मेडिसिन, मेडिसिन जो होती है वो भी हमारी कंज्यूमेबल गुड्स की लिस्ट में आती है। उसके बाद देखो तुम्हारा क्रॉकरी, क्रॉकरी आइटम जो होती है वो भी कंज्यूमेबल आइटम की गुड्स में की लिस्ट में आती है। एंड पोस्टेज, पोस्टेज भी हमारा कंज्यूमेबल आइटम में आता है, ठीक है। अब ये कंज्यूमेबल आइटम किसे कहते हैं, देखो कंज्यूमेबल आइटम वो चीज होती है जिसका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कंज्यूमेबल आइटम वो वस्तुएं होती है, वो चीजें होती है जिसका हम स्टॉक रखते हैं, जिसका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं और जो यूज करने से धीरे धीरे यूज होती रहती है और कंज्यूम हो जाते हैं, यूज करके हम खत्म कर देते हैं, कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं। जो कंज्यूम करके जितना हम जितनी लागत का जितनी कीमत का माल कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खर्चा बुलाते हैं, एक्सपेंस। और वो एनपीओ के क्या अपने इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाती है। और जिसका स्टॉक मेंटेन करते हैं हम, वो जितना कंज्यूम हो जाती है वो खर्चा बन जाता है और जो पड़ी रहती है उसे हम एसेट बुलाते हैं, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ कंज्यूमेबल आइटम या कंज्यूमेबल गुड्स किसे बोलोगे, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई वस्तु जिसका एनपीओ स्टॉक मेंटेन करती है, ठीक है। एनपीओ जिसका स्टॉक रखती है और धीरे धीरे उसको कंज्यूम करती रहती है और जितना पोर्शन उसका कंज्यूम हो जाता है, जितनी लागत का गुड्स कंज्यूम कर देते हैं वो खर्चा बन जाता है और जो बचा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। जो स्टॉक जितना स्टॉक बच जाता है उसे हम एसेट बुलाते हैं। आप सुनना मेरे कि जो कंज्यूमेबल आइटम होती है ना ये रेवेन्यू मानी जाती है नेचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू पेमेंट मान लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, रेवेन्यू पेमेंट मान लो, ये रेवेन्यू पेमेंट में आएगा जब हम खरीदेंगे तो। अच्छा रेवेन्यू पेमेंट क्यों कहते हैं इसको, हालांकि ये तो मेरे ख्याल से एक से ज्यादा साल भी चलेगी, लेकिन इन जनरल क्या होता है, देखो हमारी एजम्पशन क्या होती है कि जो ये जो कंज्यूमेबल गुड्स होती है ना, इन जनरल हमारी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर जिस साल के लिए हम खरीदते हैं उसी साल में कंज्यूम हो जाते हैं। इन जनरल क्या होता है, हम खरीद के लाते हैं और वो कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं, इन जनरल खत्म हो जाए कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। नहीं तो अगर इसी पे हो सके, देखो रियलिटी में क्या होता है, ये तो कंज्यूम तो एक दो महीने में ही हो जाती है, एक दो महीने में यूज करते रहते खत्म होती रहती है, यूज करते रहते खत्म हो जाते, फिर खरीद के लाते फिर कंज्यूम करते फिर खत्म हो जाती है, खरीदते रहते कंज्यूम होती रहती है। और इन जनरल साल तक में तो कंज्यूम हो जाती है, इसलिए हम इसको रेवेन्यू नेचर की बोलते हैं कि ये रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। और रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो कहाँ दिखा जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन क्योंकि हम इसका स्टॉक मेंटेन करते हैं तो अगर कुछ बच जाता है, बाई चांस कुछ बच जाता है, कंज्यूम नहीं हो पाया, तो हमारी एसेट बन जाती है, ठीक है। इसमें हम कंज्यूम पोर्शन निकालेंगे और जो कंज्यूम पोर्शन है वो हमारी एसेट है, जो बच गया वो हमारा, जो कंज्यूम पोर्शन में खर्चा है और जो बच गया वो हमारी एसेट है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो बहुत सारी क्या, इन जनरल 90 सभी एनपीओ के अंदर स्टेशनरी तो यूज होगी, स्टेशनरी एनपीओ
कंज्यूम करते रहते हैं, स्टेशनरी का स्टॉक मेंटेन करते हैं और स्टेशनरी यूज करते रहते हैं और वो कंज्यूम होती रहती है। जितना जितनी कॉस्ट का मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी हमने कंज्यूम कर ली वो खर्चा बन जाता है, जो बची होती है वो हमारी एसेट में रहती है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड में। जो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते होंगे वो स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे बैट बैट वगैरह होते हैं ठीक है, और बैडमिंटन वगैरह होते हैं और बहुत सारी मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होती है, स्पोर्ट्स में जो गुड्स वगैरह यूज होती है बैट बॉल वगैरह उसको कंज्यूम करते रहते हैं वो खरीद के लाते हैं, स्टॉक रखते हैं और कंज्यूम करते हैं। जैसे बॉल हो गए क्रिकेट क्लब में बॉल यूज होती रहती है, कंज्यूम होती रहती है, यूज होती रहती है, खत्म होती रहती है और जितनी पड़ी होती है वो हमारे एसेट्स है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जितने स्पोर्ट्स मैं कह रहा हूँ क्लब है ना वहाँ पर कंज्यूम होते रहते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में मेडिसिन वगैरह कंज्यूम होती रहती है, मेडिसिन का स्टॉक रखते हैं, मेडिसिन यूज होती रहती है और खत्म होती रहती है ठीक है। जितनी मेडिसिन पड़ी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो असेट बनेगा और जो जितनी कीमत जितनी लागत की कंज्यूम हो जाएगी वो खर्चा बन जाएगा। स्कूलों में भी मेडिसिन का स्टॉक रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्रॉकरी आइटम जो होगी, क्रॉकरी की आइटम जो होगी वो जो होगी तुम्हारा गुरुद्वारे वगैरह में यूज होती होगी, अनाथालय वगैरह में यूज होती होगी जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर अनाथालय वगैरह में क्या होता है सब बहुत सारे लोगों बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना होता है तो ये क्रॉकरी आइटम वगैरह यूज होती होगी, मंदिर मस्जिद में यूज होती होंगी ठीक है, पोस्टेज वगैरह ऐसी यूज होती रहती है एनपीओ वगैरह में जिनका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, मान लो मैं स्टेशनरी का लेके चल रहा हूँ, देखो पेपर में जो क्वेश्चन आता है या तो स्टेशनरी पे आ जाएगा या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल पे आ जाएगा या मेडिसिन, इन्हीं का खाता बनवाता है ठीक है। तो एक जितने भी चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो चाहे स्टेशनरी हो चाहे मेडिसिन हो, एक तुम्हें बनाना आ गया इसी एक का तो सबका एक जैसे ही होता है ठीक है जी। अब देखो कैसे बनाते हैं खाता, तो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर स्टेशनरी जो है उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, परचेज दे देगा, क्वेश्चन में बताएगा कि इतनी मैं करो स्टेशनरी पहले थी इतनी अब है ठीक है, वो तुम्हें यानी कहने का मतलब कि पिछले साल का स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस दे देगा, इस साल का स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस दे देगा, खरीद परचेज दे देगा, तो कंज्यूम निकल जाएगी इससे। देखो जैसे कि मैं अकाउंट के थ्रू बताऊंगा फिर उसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। देखो जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ एनपीओ का पहला साल है, जरा सोचो ये एनपीओ है और ये एनपीओ का पहला साल है, फर्स्ट ईयर पहली बार एनपीओ बनी है, फर्स्ट ईयर है एनपीओ का पहला साल है, पहली साल एनपीओ बनाई गई है। तो मान लो इस एनपीओ ने 1,00,000 रुपए की स्टेशनरी परचेज करी है, मान लो किसी पर्सन में मान लो सेलर था कोई, ये सेलर था, इससे एनपीओ ने स्टेशनरी, इसको हम बोल देते सप्लायर ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सप्लाई करता है सप्लायर एनपीओ। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कैश में खरीदी ठीक है, हमने 1,00,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, एक लाख रुपए की स्टेशनरी मैंने कैश में खरीदी ठीक है। अब बताओ 1,00,000 की स्टेशनरी अगर मैंने खरीदी कैश में, पैसा दिया ध्यान रखना पैसा देकर खरीदा कैश खरीदा, तो बताओ एंट्री क्या होगी स्टेशनरी खरीदने की, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले कैश में रिकॉर्ड होगा फिर कैश बुक से कहां पर रिकॉर्ड होगा, रिसीट एंड पेमेंट की। देखो स्टेशनरी की डेबिट टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट हम बना नहीं रहे अभी, मैं बनाऊंगा वैसे तो, दूसरा रिसीट एंड पेमेंट की, पेमेंट साइड में क्या आ जाएगा बाय स्टेशनरी, पहले कैश में रिकॉर्ड होता है फिर कैश बुक से कहां जाता है, रिसीट एंड पेमेंट की, पेमेंट साइड में। देखो हमें क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है और वहां पर दिया होगा ऐसे बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कितना दिया होगा 1,00,000 मान लो, रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के मिल रहा है और मान लो मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रिएशन में लिखा है बाय स्टेशनरी 1,00,000 रुपए, इसका मतलब मैंने 1,00,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है ठीक है। और अगर कैश खरीदी है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई है, तो कैश यानी रिसीट एंड पेमेंट की, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैश अकाउंट जैसे मानते हैं, तो कैश की क्रेडिट में बाई स्टेशनरी, यानी इसका मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी दिख रही है तो इसका मतलब हमने स्टेशनरी कैश खरीदी है स्टेशनरी,
स्टेशनरी खरीदी है, अच्छा स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी खरीदी की एंट्री बताओ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी मैं कैश मान के चल रहा हूँ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने पहले बोला कि एनपीओ पहले साल, एनपीओ का पहला साल है, तो देखो स्टेशनरी अकाउंट हम बनाएंगे, स्टेशनरी अकाउंट हम बनाएंगे अगर तो कैसे बनेगा स्टेशनरी अकाउंट, देखो ऊपर लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, देखो अब स्टेशनरी पहले से तो है नहीं, इसी साल हमने खरीदी है, खरीदने की एंट्री देखो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमें एंट्री तो दिया नहीं होगा, ये तो दिया होगा, इससे पता चल रहा है हमने स्टेशनरी खरीदी तो एंट्री होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की डेट में बाय स्टेशनरी और स्टेशनरी की डेट में क्या देगा टू कैश, ये एंट्री हुई ना स्टेशनरी की डेट में टू कैश, या चेक से खरीदा है तो बैंक, हमने इस साल 1,00,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है तो 1,00,000 रुपए, और क्वेश्चन में बताएगा 1,00,000 की स्टेशनरी, अब क्वेश्चन हमें बताता है बताएगा कि इस साल के एंड में, इस साल के करंट ईयर का पूरा साल खत्म हो गया, पूरे साल में हमने पूरे साल में 1,00,000 की स्टेशनरी खरीदी और साल के एंड में ईयर एंड पे साल के एंड में स्टेशनरी पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है 20,000 की, अच्छा स्टेशनरी पड़ी हुई है 20,000 की, तो ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय बैलेंस सीडी, हमारे पास स्टेशनरी अभी भी पड़ी है 20,000 रुपए की, अगर 20,000 की स्टेशनरी पड़ी है ठीक है, क्वेश्चन में बता देगा कि भाई 1,00,000 की स्टेशनरी थी 20,000 की पड़ी हुई है, अच्छा अगर 20,000 की पड़ी हुई है तो बताओ 1,00,000 की स्टेशनरी थी हमारे पास ठीक है, 1,00,000 की स्टेशनरी थी उसमें से 20,000 की पड़ी हुई है, इसका मतलब कितना यूज कर ली, कितनी लागत की स्टेशनरी, कितनी कॉस्ट की स्टेशनरी यूज कर ली, 80,000, जो डिफरेंस आएगा वो कंज्यूम आ जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम कितना है बेटा 80,000, 80,000 हमारा क्या निकला स्टेशनरी कंज्यूम क्या, और जो कंज्यूम पोर्शन होता है उसको कहां दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर, कोई डाउट है क्या, और इसकी भी एंट्री पास हुई है, इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी कितना 80,000, इस एंट्री के थ्रू जितना भी कंज्यूम पोर्शन है वो इनकम फिगर की डेबिट साइड में पहुंच जाएगा, तो देखो अगर मैं इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊं, मैं इसको टी फॉर्म में बना रहा हूं, तुम बना लोगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहां दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में टू स्टेशनरी, यानी एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में कंज्यूम कितना जाएगा 80,000, कोई डाउट है क्या, और जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ है 20,000, वो हमारा क्या हो जाएगा एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा क्या हो जाएगा एसेट, तो बैलेंस शीट मान लो ये हमारा 2019 था, मैं समझाने के लिए मान लो 2019 में हमारी एनपीओ बनाई गई है 2019 से, तो 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे, 2019 में जो स्टेशनरी कंज्यूम नहीं हुई जो पड़ी हुई है कितनी है उसको कहां दिखाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना स्टेशनरी का स्टॉक है 20,000, कोई डाउट है तो बताओ, चले आगे। अब देखो जरा पहला साल बीत गया, पहला साल बीत गया काम खत्म, अब देखो अगला साल आया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमारे पास स्टेशनरी पहले से पड़ी हुई कितनी पड़ी हुई, अच्छा ये 2019 का 31 मार्च 2019 को, पिछले साल 31 मार्च 2019 को हमारे पास स्टेशनरी कितनी दिखी थी 20,000 की, 31 मार्च 2019 यानी लास्ट ईयर स्टेशनरी 20,000 की पड़ी थी, और जो लास्ट ईयर स्टेशनरी पड़ी थी वो लास्ट ईयर तो क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का, इस साल क्या बन जाएगा, हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में पहुंच चुके हैं, 2020 में लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग स्टॉक था ठीक है, ओ सॉरी ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक ठीक है, अब बताओ लास्ट ईयर का क्लोजिंग साल का ओपनिंग स्टॉक, तो बताओ अब जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं सुनना, अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट में स्टॉक दिया होगा
या क्वेश्चन में हमें कहीं बता देगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दे देता है ओपनिंग स्टॉक की। तो जो लास्ट का स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग होता है, पिछले साल का क्लोजिंग ही इस साल का ओपनिंग बनता है। अच्छा, जो लास्ट बच गया था सामान 20,000 का बच गया था, हम क्या करेंगे इस साल उसको सबसे पहले कंज्यूम करेंगे, करंट ईयर में वो सबसे पहले कंज्यूम होगा, यूज होगा। तो देखो लास्ट का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी। जो लास्ट का क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग, तो जब मैं इस साल स्टेशनरी अकाउंट बनाऊंगा तो जो लास्ट का क्लोजिंग था इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मेरे पास स्टेशनरी कंज्यूम करने के लिए कितनी पड़ी हुई है, 20,000 की ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। और इस साल मैंने फिर से, अब करंट ईयर में मैंने फिर से स्टेशनरी खरीद ली, इस साल मैंने स्टेशनरी खरीद ली 130,000 की। एंट्री बोलो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितनी की खरीदी आपकी बारी, 130,000 की। करंट ईयर हमारा 2019-20 यानी इस साल मैंने फिर से स्टेशनरी खरीद ली। अच्छा, स्टेशनरी खरीदी तो कितने की खरीदी, 130,000 की, और कैश खरीदी तो यहाँ पर कितना जाएगा, 130,000। तो ये भी कितने से होगा, एंट्री बनी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 130,000, कोई डाउट है क्या। अब फिर से देखो स्टेशनरी की डेबिट टू कैश कितना, 130,000। अब क्यों, अरे इस साल मैंने स्टेशनरी खरीदी है 130,000 की, और कितनी स्टेशनरी मेरे पास पहले से पड़ी थी, 20,000 की। अब बताओ 20,000 की स्टेशनरी पहले से पड़ी थी, 20,000 की स्टेशनरी पहले से पड़ी थी, और इस साल मैंने स्टेशनरी और खरीदी कितने की। अब मेरे एनपीओ के अंदर कितने रुपए की स्टेशनरी पड़ी हुई है कंज्यूम करने के लिए, 1.5 लाख की स्टेशनरी पड़ी है जो मैं यूज कर सकता हूँ इस साल में। कितना मेरे पास कंज्यूम करने के लिए करंट ईयर में स्टेशनरी कितने की पड़ी है, 1.5 लाख की, कोई डाउट है क्या। अच्छा, और पता चला कि साल के एंड में 10,000 की स्टेशनरी अभी भी पड़ी हुई है। साल के एंड में पता चला, क्वेश्चन में इन्फॉर्म करेगा तुम्हें कि करंट ईयर में इस साल 31 मार्च 2020 को साल के एंड में कितनी स्टेशनरी पड़ी हुई है, 10। अब बताओ 1.5 लाख की कंज्यूम करने के लिए थी मेरे पास स्टेशनरी पड़ी थी 1.5 लाख की कंज्यूम करने के लिए, जिसमें से 10 पड़ी हुई है, इसका मतलब कितनी यूज हो चुकी है, 1,40,000। 1,00,000 मेरी 40,000 क्या हो गई, कंज्यूम पोर्शन आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन के अंदर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस बता देगा, क्वेश्चन के अंदर स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस बता देगा, परचेज कहीं ना कहीं दे रखी होगी, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंज्यूम आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंज्यूम आता है, ध्यान में। तो मैंने इसको खाते के थ्रू बताया, पहले हमारे पास 20,000 की स्टेशनरी थी, 1,30,000 की और खरीद ली, तो कितने 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी हमारे पास पड़ी है कंज्यूम करने के लिए, जिसमें से 1.5 लाख में से 10 की पड़ी हुई है, तो कितना यूज हो गया, 1,40,000 कंज्यूम आ गया। तो इस साल के करंट के इनकम एक्सपेंस अकाउंट में कितना जाएगा, अगर मैं 31 मार्च 2020 का अपना इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा तो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस में कितना जाएगा, 1,40,000 स्टेशनरी के नाम का, कोई डाउट है तो बताओ। स्टेशनरी के नाम का खर्चा, जितनी स्टेशनरी कंज्यूम हो गई वो खर्चा बन जाएगा। और बताओ अभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितना होगा, इस साल की 31 मार्च 2020 कितना होगा, 10,000। अच्छा, फिर इस क्वेश्चन में लास्ट की बैलेंस शीट भी बनती है, तो बताओ लास्ट की बैलेंस शीट में स्टेशनरी कितनी आएगी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना बेटा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में स्टेशनरी कितनी थी, पिछले साल स्टेशनरी का स्टॉक कितना था, और जो कंज्यूम नहीं होती वो हमारे एसेट होती है, स्टॉक स्टेशनरी का स्टॉक कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक जो बच गया वो हमारी एसेट होती है, जितना कंज्यूम नहीं हुआ एसेट होती है। तो लास्ट का स्टॉक है तो लास्ट की बैलेंस शीट में एसेट, करंट का स्टॉक है तो करंट की बैलेंस शीट में एसेट, यहां तो कोई डाउट है क्या। अब यहां से देखना सुनना बेटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको जो इक्वेशन में फॉर्म में करना है तो तुम ऐसे लिख दो, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो क्या जाएगा, कंज्यूम। किताबों में ये लिखा होता है स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये फॉर्मूला इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखो जरा क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस और दे देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ठीक है ना बताए, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में ना बताए कि हमने स्टेशनरी कैश खरीदी है, क्या करना, ये एंट्री ना, स्टेशनरी हमने कैश में खरीदी है ये ना बताए, अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेशनरी कैश में खरीदी गई है और ये ना बताए, और क्वेश्चन में लिखा हो स्टेशनरी परचेज करिए, तो देखो ध्यान रखना
मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी परचेज नहीं, देखो सुनना मेरा ढंग से सुना, ये बात समझ आ गई सबको पहले आया था। अब क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा स्टेशनरी, मतलब ले लो मान लो लिखा है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, मान लो लिखा है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए और मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब ये मैं इसकी जरूरत नहीं मुझे, देखो जरा अब मुझे देख के बताना बेटा क्वेश्चन में। मान लो ये करंट ईयर में, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में फिर से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन में आ गया ना, क्वेश्चन देखो फिर से चेंज कर रहा हूँ, ढंग से देखना। देखना बेटा ढंग से समझना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करता है, क्वेश्चन में क्या करता है सुनना, क्वेश्चन में हमें स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कहीं ना कहीं बता देगा इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के अंदर या कहीं पर भी हमें जानकारी दे देगा कि लास्ट का स्टेशनरी का स्टॉक कितना है, करंट का स्टेशनरी का स्टॉक कितना है, यानी क्वेश्चन में हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा होगा करंट का भी और लास्ट का भी। और क्वेश्चन में यहाँ मान लो करंट का मैं कह रहा हूँ हमने 2020 का इस साल के एंड में, करंट के एंड में 2020 में मैंने स्टेशनरी का खाता उसका रिसीटल पेमेंट की पेमेंट साइड में देखा 22 स्टेशनरी लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए, 22 स्टेशनरी 1.5 लाख रुपए, और क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। मान लो क्वेश्चन में बोल रखा है ओपनिंग क्रेडिटर 10,000 रुपए और क्लोजिंग क्रेडिटर 20,000 रुपए, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन में बता रखा है ओपनिंग क्रेडिटर 10,000 क्लोजिंग क्रेडिटर 20,000, क्वेश्चन में बताएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, यानी पिछले साल क्रेडिटर कितने थे, पिछले साल क्रेडिटर कितने थे 10,000 और इस साल कितने 20,000, क्वेश्चन में बता देगा अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अब मेरा क्वेश्चन ये, तुमने यहां देखा 22 स्टेशनरी कितना लिखा है, इससे जर्नल एंट्री बनाओ, इससे जर्नल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी जर्नल एंट्री, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊ क्या है? तुम देख के बनाओ, यहां से देख के क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, कितना 1.5 लाख टू कैश, कितना बेटा यही बनेगी ना, इससे एंट्री, इससे एंट्री यही बनेगी नहीं बनेगी देख लो, ठीक है, लेकिन ये सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो देखो मैं, तुमने बिल्कुल ठीक देखा, इसको देख के यही लग रहा है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, देख के यही लग रहा है स्टेशनरी टू कैश, लेकिन ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और क्वेश्चन में ना बताए कि हम स्टेशनरी कैश में खरीदते हैं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और क्वेश्चन में ना बताए कि हम स्टेशनरी कैश खरीदते हैं, तो हमेशा हम मानते हैं उधार खरीदते हैं, हमारी अजम्पशन रहेगी कि हम स्टेशनरी को उधार खरीदा करते हैं, तो फिर तो स्टेशनरी टू कैश एंट्री हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन में स्टेशनरी का क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यानी क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यानी क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मैंने बोला कि मान लो ओपनिंग क्रेडिटर 10,000 थे और क्लोजिंग क्रेडिटर कितने थे 20,000, अगर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो हम देखेंगे ना, कोई भी इंसान देखेगा तो स्टेशनरी देखेगा तो उसको ये लगा स्टेशनरी के लिए पैसा दिया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वो यही एंट्री बनाएगा और बिल्कुल ठीक है, ये बनाना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनना, अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो इसको हम क्या मानते हैं सुनना, इसको हम मानते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, समझना ढंग से, मेड टू क्रेडिटर लिखा नहीं होता कहीं पर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अब मेरी बात सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन बताओ, अगर मैंने स्टेशनरी उधार खरीदी क्या यहाँ आ सकता है, स्टेशनरी उधार खरीदी क्या यहाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई, इसमें कहीं कैश उधार की ट्रांजेक्शन आती है क्या, यहाँ तो कैश की रिसीट आती है, कैश की पेमेंट, कैश में कैश पे करोगे तो आएगा, तो उधार की स्टेशनरी तो यहाँ नहीं आ सकती, अगर स्टेशनरी उधार खरीदी की तो इस खाते में नहीं आ सकती, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आ सकते, यानी स्टेशनरी टू क्रेडिटर अगर एंट्री पास करो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आ सकती, ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब बताओ तो इसका मतलब
अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और मैंने बोला हम उधार, हमारी जब तक क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि हम कैश भी खरीदते हैं हम उसको उधार मानेंगे, और अगर हम उसको उधार मानेंगे तो फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ये क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। हमेशा याद, लिखा नहीं है कहीं, देख लो ढंग से, कोई भी आदमी इसको देख के नहीं कर सकता, बताओ कहां से लग रहा है क्रेडिटर को पैसा दिया, वो तो मैंने लिखा ना है क्वेश्चन में, थोड़ा लिखा होगा, ठीक है, ध्यान ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में मैं तुम्हें ये बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में तो तुम्हें ये लगेगा स्टेशनरी खरीदिए कैश और तुम यहाँ लिख दोगे और सारा काम खराब हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी लिखा जरूर होगा, लिखा जरूर होगा पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, लेकिन ये जो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी लिखा होगा, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी लिखा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है, लेकिन होगा वो क्या, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ध्यान रखना। और अगर कैश लिखा है तो फिर तो हो सकता है, कैश में खरीदते तो हो सकता है ना बाय स्टेशनरी, समझ में आ गया। तो अब देखो जरा, बनाओ क्रेडिटर अकाउंट में, ढंग से समझना बेटा, अब मैं क्रेडिटर अकाउंट बना रहा हूँ, क्रेडिटर का मतलब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, यानी जो हम स्टेशनरी खरीदते हैं उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट तुम पूरा लिखोगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो अब तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी से स्टार्टिंग होगी, और बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग होगी, बाय बैलेंस बीडी मैंने कितना माना था, मान लो अपनी तरफ से एज्यूम करो कितना 10,000, अपनी तरफ से मान लो 10,000, और मैंने कहा अब क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, तो सीडी इधर आएगा डेबिट साइड में, होता ही क्रेडिट बैलेंस ही है, लेकिन तो बताओ कितना है, टू बैलेंस सीडी, कितना मैंने बोला मान लो 20,000, ठीक है जी, कोई डाउट है क्या। आप देखो इधर, देखो इधर देखना बेटा, ये क्या, ये क्या है, फिर से पूछ रहा हूँ, ये क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर को पैसा देने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर को पैसा देने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू कैश, कितना बेटा 1.5 लाख। आप देखो सुनो कितना आएगा, 1.5 लाख, कितना है 1.5 लाख। अब बताओ जरा, समझना जरा ढंग से, इस साल हमने क्रेडिटर को इतना पैसा दिया, यही मतलब ना, इस साल में हमने क्रेडिटर को 1.5 लाख रुपए दिए और हमारे पास क्रेडिटर एंड में कितने हैं, 20,000 है अभी, और साल के एंड में कितने थे, साल के बिगनिंग में, साल की शुरुआत में कितने थे, 10,000 के, ठीक है। बताओ अगर मैंने, मैं करो 1.5 लाख के क्रेडिटर पे भी कर दिए, 20,000 के पड़े भी हैं, 20,000 के पड़े भी हैं, और शुरुआत में कितने थे, 10 के, स्टार्टिंग में 10 के थे, अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा 10 के क्रेडिटर कैसे आते हैं, पहले तो क्रेडिटर कैसे आएंगे, खरीदोगे तब जी, भाई मैं सुना मेरे ढंग से सुना, 10,000 का उधार माल खरीदूंगा तो 10,000 के क्रेडिटर आएंगे, अच्छा 20,000 का उधार माल खरीदूंगा तो 20,000 के क्रेडिटर आएंगे, 50,000 का उधार माल खरीदूंगा तो 50,000 के क्रेडिटर बनेंगे, 1 लाख का उधार माल खरीदूंगा तो 1 लाख का, जितना उधार खरीदोगे उतने क्रेडिटर बनेंगे नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्या, देखो सुना, इसका मतलब लास्ट ईयर क्रेडिटर 10,000 के थे, लास्ट ईयर इसका मतलब 10,000 का स्टॉक होगा तभी तो 10,000 के क्रेडिटर होंगे, 10,000 लास्ट ईयर मुझे लोगों का 10,000 देना था, 10,000 का सामान खरीदा था, 10,000 देना था, इस साल में मैंने 1.5 पे भी कर दिए और 20 बचे भी हुए, तो उसमें से मतलब 1.70 टोटल, यानी मेरे टोटल क्रेडिटर कितने थे, 1.70 टोटल क्रेडिटर, 1.70 थे, उसमें से 10 कितने थे पिछले साल के, टोटल क्रेडिटर 1.70 के थे, 10 पिछले साल के थे, तो इस साल के कितने आएंगे, इस साल के 1,60,000, इस साल के 1,60,000 जादू से होंगे क्या, क्या करे होगा, खरीदा होगा, फिर इस साल करंट ईयर में, सुनो करंट ईयर में हमने 1,00,000 की स्टेशनरी खरीदी होगी, 1,60,000 की स्टेशनरी खरीदी होगी, और तो एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एक तरफ स्टेशनरी बढ़ी होगी और एक तरफ कैश क्रेडिटर बढ़ा होगा। देखो जरा, 1,50,000 और 1,20,000 कितना हो गया, 1,50,000 और 20,000, 1,70,000, 1,50,000 और 20,000, 1,70,000, 1,70,000 इधर भी लिख दो, 1,70,000 में से 10 गए, जाहिर सी बात है
कि अगर हमने स्टेशनरी उधार खरीदी होगी तो स्टेशनरी आई होगी 1,60,000 की और साथ में क्रेडिटर भी आएंगे 60 के, और ये इस साल के क्रेडिटर होंगे नहीं होंगे, ये ताजा ताजा क्रेडिटर है इस साल के, ठीक है। एंट्री बाद में एंट्री बोलो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू उधार खरीदेंगे तो स्टेशनरी नहीं आएगी क्या? अच्छा स्टेशनरी आएगी, साथ साथ में क्या आएंगे? क्रेडिटर भी आएंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो देखो स्टेशनरी बढ़ जाएगी और क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो देखो पोस्टिंग करो स्टेशनरी की डेबिट में टू क्रेडिटर और क्रेडिटर की डेबिट में बाई स्टेशनरी। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या लिखूं? ये जो बैलेंसिंग फिगर तुमने निकालिया है रियलिटी में, ये तुमने बैलेंस करके निकाला है बैलेंसिंग फिगर 150 + 20 = 170 इधर भी लिखा है 170 में से 10 गया कितना है 160 और ये 160 बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा इधर? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी अगर स्टेशनरी है तो, ठीक है। और ये जो स्टेशनरी निकली है ये यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे। देखो एंट्री पोस्टिंग हुई है कोई बड़ी बात नहीं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो स्टेशनरी डेबिट में टू क्रेडिटर और क्रेडिटर की डेबिट में क्या लगेगा भाई? स्टेशनरी। मैंने बोला ना क्वेश्चन में जब तक ना बोले कैश तो कैश नहीं मानेंगे, हो सकता है कैश भी हो। तो क्या लिखूं यहां पर? कौन से खाते से आया है? क्रेडिटर फॉर कितना बेटा? कोई डाउट है क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कैश परचेज भी होती तो कौन से बड़े बात है? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर होती तो क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कैश परचेज भी हो क्रेडिट परचेज भी हो तो कैश परचेज स्टेशनरी टू कैश या टू कैश और लिख देते, कोई बड़ी बात तो नहीं ना। इन जनरल नहीं होता, 10 में से एक क्वेश्चन होगा, होगा तो देख लेंगे, ठीक है जी। यहां तो कोई डाउट है क्या? अब तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बता देगा, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया था। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बता देगा, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया था। अच्छा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में बता रखा होगा, मैंने एग्जांपल लिया था वही मैं मान के चल रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000, तो बताओ ओपनिंग कितना है? 20,000 और क्लोजिंग कितना है? 10,000। ओपनिंग कितना है बताओ? 20 लिख दिया मैंने, 20। क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000, क्लोजिंग कितना है? 10। टोटल बता दो 1,80,000, इधर भी लिख दो 1,80,000, 1,80,000 में से 10 गया कितना है बेटा? ये क्या है? कंज्यूम। और जो करंट में कंज्यूम निकलेगा वो कहां जाएगा? इनकम से जाएगी एक्सपेंडिचर में, कंज्यूम आ गया। और लास्ट का स्टॉक कहां जाएगा? लास्ट की बैलेंस शीट में एसेट। करंट का स्टॉक कहां जाएगा? करंट की बैलेंस शीट में। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, जो पिछले साल क्रेडिटर थे वो पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी, और जो इस साल के क्रेडिटर है इस साल की बैलेंस शीट में। यहां लिख देंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है बताओ? लास्ट क्रेडिटर कितने थे और इस साल कितने हैं? 10,000। इस साल कितने? 20,000, ठीक है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? इस तरह से कंज्यूम निकलेगा। और आखिरी इसमें ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर और क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर, ऐसा हो सकता है ये एडवांस दे क्या तो क्रेडिटर को? यस, क्यों नहीं हो सकता? कभी कभार क्या होता है, देखो हम उधार का उधार में क्या होता है, जब उधार में क्या होता है, इन जनरल क्या होता है उधार में, हम जाते ठीक है, हम जाते उधार लेके आते सामान उधार के लेके आते, तो एक बारी उधार लेके आएंगे ना, अब जो मैंने पहले इस बारी उधार खरीदा है, अभी जो उधार खरीदा है, अब मैं जाऊंगा तो इसका पैसा दे के आऊंगा और फिर पुराना माल फिर नया माल लेके आ जाऊंगा, फिर ये उधार करके आ गया, फिर इस बारी का जब पैसा देने जाऊंगा उसके बाद फिर उधार लेके आ जाऊंगा, यानी पुराना पैसा देते हैं और नया फिर उधार कर लेते हैं, फिर पुराना पैसा देंगे फिर नया उधार कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है हम जाते हैं कहते भाई ये ले पुराना पैसा तो ले 10,000 और एक्स्ट्रा ले ले, 10,000 एक्स्ट्रा ले ले, हम एक्स्ट्रा पैसा दे जाते हैं कुछ। कभी कभार होता है ऐसे, जो उधार वाले होते हैं ऐसा कभी देते नहीं है, बहुत कम देते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने पुराना पैसा भी दे दिया और कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, बोला कि हम सामान भिजवा देना, पैसा एक्स्ट्रा दे के आ गया एडवांस में,
पैसे, तो अगर हमने अपने क्रिएटर को कुछ एडवांस में पैसा दे दिया, बोला सामान भिजवा देना, तो वो क्या जाएगा? एडवांस पेड टू क्रिएटर। और अगर हमने पिछले साल क्रिएटर को कुछ एडवांस दे रखा था, तो जाहिर सी बात है पैसा दे रखा है, वो इस साल सामान भिजवा देगा। भाई अगर हमने पिछले साल कुछ एडवांस दे रखा था तो सामान भिजवाने के लिए बोला था, अब वो सामान भिजवा देगा, और जो इस साल हमने पे करके एडवांस में, वो अगले साल के लिए सामान भिजवा देगा। तो देखो अगर क्वेश्चन में क्रिएटर का एडवांस पेड टू क्रिएटर है, तो यहाँ पर जाएगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस। मेरी बात सुनो, अगर क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी। मान लो क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस 5000 रुपए, मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस पेड टू क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस 5000 है। अच्छा एडवांस दे रखा तो हमारे एसेट है ना, बेनिफिट लेना बाकी है, तो ओपनिंग एडवांस है, पिछले साल एडवांस पे कर रखा था, तो हमारी क्या बन जाएगा? एसेट। अच्छा और इस साल के एंड में एडवांस दे रखा तो इसका बेनिफिट अगले साल आएगा, तो ये भी हमारी एसेट है, बैलेंस सीडी। मान लो इस साल दे रखे 15000, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में क्या होगा, सुनो होगा क्या, तुम पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से या कहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे देगा, क्वेश्चन के अंदर कहीं इन्फॉर्म कर देगा या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, सबसे पहले क्या लिखोगे, पेमेंट मेड टू क्रिएटर, पेमेंट मेड टू क्रिएटर लिखोगे, क्रिएटर की डेबिट टू कैश, ये यहां से आ गया। क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस देखोगा तो बाई बैलेंस बीडी, क्रिएटर का क्लोजिंग बैलेंस देखोगा तो टू बैलेंस सीडी, क्रिएटर का ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रिएटर, यानी पिछले साल क्रिएटर को एडवांस भी दिया था तो टू बैलेंस बीडी, और इस साल भी एडवांस दे रखा होगा इस साल का तो बाय बैलेंस सीडी लिख लोगे। अब देखो 5000 प्लस 1.5 लाख प्लस 20000 कितना गया, 1,75,000, और इधर भी 1,75,000, इधर भी 1,75,000, ठीक है। 1,75,000 में से कितना गया, 25 गया, तो कितना बचा, कितना बचा, 1.5 लाख। ये क्या गया, स्टेशनरी कंज्यूम, समझ में आ गया, कंज्यूम निकला गया, परचेज, स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट, स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट, स्टेशनरी निकली जो हमने उधार कही थी। अच्छा स्टेशनरी उधार कही थी तो एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, स्टेशनरी टू क्रेडिटर, तो स्टेशनरी की डेबिट में क्या जाएगा, टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, कितना कितना आएगा, 1.5 लाख, ठीक है जी। और बताओ पहले से स्टेशनरी की कितने की थी, 20000 की, और अब क्वेश्चन में हम स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था, 20000, इस साल हमने कितनी खरीदी, 1.5 लाख की, तो कंज्यूम करने के लिए कितनी हो गई, 1,70,000। और 1,70,000 में कितनी पड़ी हुई है, 10, तो कितना कंज्यूम हो गई, ठीक है जी। और जो इस साल कंज्यूम निकलता है वो कहां दिखाई देगा, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, और ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट, क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ। अब लिख दो उसको, बस एक चीज और लिखना है, जो लास्ट एडवांस पे किया था वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट, जो इस साल पे किया है वो क्या लिखो, एडवांस कितना बेटा, कितना, 5000, जो इस साल पे किया है उसको 10000 में इधर लिख दूंगा, एडवांस क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रिएटर फॉर स्टेशनरी, क्रिएटर फॉर स्टेशनरी। बताओ बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट में कोई डाउट है क्या, 15000, यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को अकाउंट बनाने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया, कंज्यूमेबल आइटम के साथ ऐसे करेंगे। अब बताओ इसी को, इसी बात को हम अगर स्टेटमेंट फॉर्म में करते तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ना किया। अच्छा एक बात बताओ,
इसी बात को अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में करें, जरा तुम सुनो मैंने क्या किया। अगर हम इसको क्या करते, देखो ये क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर है, और मैंने बोला अगर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो याद रखना यहाँ जो दिया होगा इन जनरल ये क्या होता है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये क्या होता है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को जो पैसा इस साल दिया वो होगा। ठीक है, अब जरा सोचो मेरी बात सुना, अगर हम पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर अलग ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर क्या कर देते हैं, क्रेडिटर इस साल के क्रेडिटर ऐड कर देते हैं, और ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस कर देते हैं और ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर प्लस कर देते हैं, और क्या माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर माइनस कर देते हैं, और क्या माइनस कर देते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, स्टेशनरी परचेज्ड, क्या आता है, स्टेशनरी परचेज। इस साल हमने स्टेशनरी इतनी खरीदी, इस साल हमने स्टेशनरी इतनी खरीदी। फिर से बोलना, देखो अगर हम पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में, सुना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस कर देते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देते हैं, ये मतलब ना माइनस, क्रेडिट साइड में करेंगे मतलब माइनस। अच्छा, ओपनिंग एडवांस प्लस कर देते हैं, लास्ट ईयर एडवांस प्लस कर देते हैं, और इस साल का एडवांस, एडवांस पेड टू क्रेडिट माइनस कर देते हैं, तो क्या जाता है, स्टेशनरी परचेज। अच्छा, इसका मतलब हमने 1.5 लाख की स्टेशनरी खरीदी, 1.5 लाख की स्टेशनरी इस साल हमने खरीदी, यही नहीं निकला है, 1.5 लाख की हमने स्टेशनरी खरीद के रखी है एनपीयू में कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, और हमारे पास पहले से कंज्यूम करने के लिए कितनी थी, 20। अच्छा, ये भी प्लस कर देते, 1.5 लाख की स्टेशनरी कंज्यूम करने के लिए खरीदी थी और ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देते हैं, माइनस, तो क्या आ जाता है, कंज्यूम, क्या आ जाता है, कंज्यूम। समझ में आ गया, तो इसी बात को हम स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। यानी क्या, देखो फर्क इतना, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो वैसे करते हैं, वैसे देखो करने का तरीका ये होगा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ठीक है, देखो डेबिट वाले सारे प्लस हो गए और क्रेडिट वाले सारे माइनस हो गए। डेबिट वाले क्या, देखो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर में क्या प्लस, ओपनिंग स्टॉक प्लस, ओपनिंग स्टॉक प्लस, और क्या प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, क्रेडिटर क्लोजिंग प्लस हो रहे, और क्या माइनस हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस और क्लोजिंग एडवांस माइनस, कोई बड़ी बात है क्या। ठीक है, और वो जाहिर सी बात है, देखो जो लास्ट ईयर एडवांस पे किया था किस लिए पे किया था, कि इस साल स्टेशनरी भिजवा देगा, लास्ट एडवांस पे किया था कि इस साल स्टेशनरी भिजवा देगा, इस साल स्टेशनरी आई होगी और उसको हमने कंज्यूम किया होगा, कंज्यूम किया होगा तो इस साल खर्चा बन गया होगा, तो लास्ट ईयर पे किया था इस साल के लिए। जैसे हम पिछले साल हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया था, कब के लिए, इस साल के लिए। अच्छा, लास्ट ईयर एडवांस पे कर दिया था इस साल के लिए, तो लास्ट ईयर में अगर हमने एडवांस पे किया इस साल के लिए तो वो इस साल का खर्चा नहीं होता क्या, होता है, तो वो इस साल का खर्चा, तो वैसे ये भी इस साल का खर्चा हो जाएगा। फर्क इतना है, वो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस होते हैं और ये क्रेडिटर फॉर गुड्स होंगे, बात तो एक ही है। अगर मैंने पिछले साल एम्प्लॉय को सैलरी दे दी थी, पिछले साल एम्प्लॉय को सैलरी दे दी थी इस साल के लिए, तो इसका मतलब वो इस साल का खर्चा था नहीं था, सैलरी पिछले साल दे दी थी, बेनिफिट तो इस साल लिया, इस साल का खर्चा है। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी थी और इस साल का खर्चा था, ठीक है, लास्ट एडवांस पे करा था इस साल के लिए, तो इस साल का खर्चा बन जाएगा। इसी तरह मैंने क्रेडिटर को पैसा दे दिया था इस साल वो गुड्स भिजवाएगा, इस साल खर्चा बन जाएगा। तो बात यही है, ओपनिंग एडवांस प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग माइनस क्यों हो जाएगा, इस साल हमने एडवांस पे किया है, पैसा गुड्स तो अगले साल आएंगे, क्या कंज्यूम हो जाएंगे क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आ गया, जैसे कि मैं कह रहा हूं इस साल एडवांस पे किया है अगले साल के लिए, इस साल मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी अगले साल के लिए, तो क्या इस साल का खर्चा है, नहीं है, बात समझ आ रही सबको। चलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या, ये बात ध्यान रखना। और क्लोजिंग क्रेडिटर भी ऐसी प्लस होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट की सैलरी बताइए, इसका मतलब इस साल हमने सर्विस ली थी सैलरी नहीं दी और इस साल में हमने उधार माल खरीदा पैसा नहीं दिया क्रेडिटर को, पुराने क्रेडिटर को रोक सकते हो क्या, इनको पैसा नहीं दोगे तो सामान भेजना बंद कर देंगे। अब जो ये क्रेडिटर बचेंगे ना वो इस साल के बचेंगे, ताजा जो अभी उधार खरीदा उनका पैसा देना बाकी है। समझ में आ गया, तो क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब करंट के क्रेडिटर इस साल उधार माल खरीदा होगा उतना पैसा नहीं दिया, ठीक है। और ये ओपनिंग क्रेडिटर जो पुराने क्रेडिटर थे पिछले साल, तो जैसे लास्ट ओपनिंग मैं कह रहा हूँ लास्ट का आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता था क्योंकि वो लास्ट का आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाता था क्या, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता था, प्लस,
तो वैसे तो क्या इस साल के ग्रेटर प्लस पिछले साल के ग्रेटर माइनस, समझ में आ गया। तो देखो अब बनाओ उसको स्टेटमेंट फॉर्म में। देखो बेटा कैसे दिखाओगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा उसके ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन फॉर स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ऊपर आंसर लिखो हेडिंग बनाओगे कैलकुलेशन फॉर स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, या स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंस अकाउंट, जो कंज्यूम होता है वही डेबिट की जाती है। अच्छा सबसे पहले क्या दिखाओगे बताओ, क्वेश्चन में दिया होगा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अच्छा या ऐसा नहीं लिखा नहीं होता पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, तो तुम क्या लिखो, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग देयर, या पेमेंट मेड टू स्टेशनरी ड्यूरिंग देयर, लिखा नहीं होता पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, ऐसे लिखा होता क्वेश्चन में पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग देयर ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा साल के दौरान हमने स्टेशनरी के लिए जितना पैसा दिया, कितना दिया बताओ स्टेशनरी के लिए, कितना दिया 1.5 लाख। इस साल हमने कितनी स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है, 1.5 लाख। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने क्रेडिटर को पैसा दिया होगा वो स्टेशनरी के लिए तो दिया होगा, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग देयर कितना, 1.5 लाख। अब मैंने क्या बोला देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाएगा प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, डेबिट वाले सारे प्लस हो रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाएगा प्लस, जाहिर सी बात है जो पिछले साल स्टेशनरी थी। अच्छा जो पिछले साल स्टेशनरी होगी क्या अभी भी बढ़ी होगी क्या, लास्ट की स्टेशनरी इस साल क्या हो जाएगी कंज्यूम, तो ऐड कर देंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाएगा प्लस, कितना बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना 20,000, क्या हो जाएगा प्लस, कोई डाउट है क्या। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो बचा हुआ है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो बचा हुआ, अच्छा जो बचा हुआ क्या कंज्यूम हो गया क्या, जो बचा हुआ कंज्यूम कैसे हो सकता है, उसका मतलब पड़ा हुआ तुम्हारे पास कंज्यूम नहीं हुआ, जो पड़ा हुआ है वो कंज्यूम नहीं हुआ, तो क्या कर दूंगा माइनस, ठीक है देखो यहाँ माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये वो है जो कंज्यूम नहीं हुआ, जितना भी हमने परचेज किया होगा, अभी परचेज निकलेगी तो जितना हमने परचेज किया होगा उसमें से ये कंज्यूम नहीं हुआ, कितना बेटा 10,000, ठीक है जी क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद देखो मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग क्रेडिटर क्या हो जाते हैं प्लस, और ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो जाते हैं माइनस, माइंड में डालना उल्टा होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, जैसे कि इस साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते थे प्लस, और लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते थे माइनस, क्योंकि मैं बोलूंगा लास्ट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल का खर्चा नहीं है और इस साल वाला इस साल का खर्चा है, तो जाहिर सी बात है जो इस साल उधार माल खरीदा होगा इस साल के क्रेडिटर होंगे, ठीक है, जैसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होता था वैसे वो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस थे और ये क्रेडिटर फॉर गुड्स थे, तो इस तरह से इस साल के जो क्रेडिटर होंगे एट द एंड, क्रेडिटर एट द एंड वाले क्या होंगे प्लस इस साल वाले, तो क्या करो बताओ प्लस कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्या हो जाएगा बेटा प्लस, जो इस साल के एंड में क्रेडिटर होंगे करंट ईयर के क्रेडिटर होंगे वो क्या होंगे प्लस, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी बताओ कितना है 20,000, और बताओ क्या माइनस हो जाएंगे ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, जो पिछले साल के क्रेडिटर थे वो क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है जो उनका तो जो लास्ट ईयर के क्रेडिटर का पैसा अभी दे दोगे तो क्या इस साल का हो जाएगा क्या, जस्ट लाइक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर पे कर दे तो क्या उस साल का खर्चा होता, नहीं, तो क्या लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, कितना माइनस कर दो बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे 10,000 माइनस के, और जो लास्ट ईयर एडवांस पे किया था वो इस साल के लिए पे किया होगा, लास्ट ईयर क्रेडिटर को एडवांस दिया था कि इस साल गुड्स की सप्लाई कर देगा तो वो इस साल के लिए होगा प्लस, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस और इस साल का एडवांस माइनस, ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस
पेड टू क्रिएटर, फॉरेस्ट स्टेशनरी, क्रिएटर फॉर स्टेशनरी क्या कर दो बेटा, क्या कर दे प्लस कितना 5000 और माइनस कर देंगे इस साल जो एडवांस पे किया है क्लोजिंग एडवांस। अच्छा जो क्लोजिंग एडवांस होगा इस साल पे किया है, गुड्स की सप्लाई कब होगी अगले साल, क्रिएटर फॉर स्टेशनरी कितना बताओ 15000 और जब सब कुछ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या, कितना आएगा 160000। देख सकते हो 160 आ रहा नहीं आ रहा, और ये क्या जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकलती है वो हमारे इस साल के इनकम स्टेटमेंट में दिखा दी जाती है, ठीक है। और फिर वो बैलेंस शीट में सेम ट्रीटमेंट, कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बता दिया। स्टेटमेंट फॉर्म में ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है स्टेशनरी का और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है माइनस, लेकिन क्रिएटर के केस में उल्टा होता है, क्लोजिंग क्रिएटर प्लस और ओपनिंग क्रिएटर माइनस, ठीक है, क्लोजिंग क्रिएटर प्लस और ओपनिंग क्रिएटर माइनस, और एडवांस में फिर से वही ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। बस एक बात माइंड में डाल लेना क्लोजिंग क्रिएटर प्लस होते हैं, बस बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। और एक बात सुनो, क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें स्टेशनरी परचेज दे दे, जरा सोचो किसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें स्टेशनरी परचेज दे दे, मैं ये नहीं बोला पेमेंट मेड टू क्रिएटर दे दे, क्वेश्चन में लिख दे स्टेशनरी परचेज 1,50,000, अच्छा स्टेशनरी परचेज 1,50,000 दे दे और क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे दे, तो हम क्या क्रिएटर या एडवांस पेड टू ओपनिंग, एडवांस पेड टू क्रिएटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे दे, तो क्या बनाने की जरूरत है क्या स्टेशनरी अकाउंट, मैं क्रिएटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना के हम क्या निकालते परचेज, भाई क्रिएटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना के हम क्या निकालते हैं परचेज, क्रेडिट परचेज स्टेशनरी की, जब परचेज निकालते हैं तो वो परचेज क्वेश्चन में दे ही देगा, तो हमें बनाने की जरूरत है क्या खाता, हम क्या करेंगे परचेज को सीधा स्टेशनरी अकाउंट में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, कंज्यूम आ जाएगा, फिर ये इस खाते की कोई रेलिवेंस नहीं है, जानना ये खाता इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसके बाद बात समझिए, इस खाते को नहीं लिखेंगे कब, इस खाते को नहीं बनाएंगे, बताओ कब नहीं बनाएंगे, जब क्वेश्चन में स्टेशनरी परचेज दिया हो, पेमेंट मेड टू क्रिएटर नहीं स्टेशनरी परचेज, अगर स्टेशनरी परचेज दे रखा है, क्रिएटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो ये खाता बनाने की जरूरत नहीं है, ये खाता बना के हम परचेज ही तो निकालते हैं, और अगर स्टेशनरी परचेज दे देगा तो वो सीधा लिख लेंगे, और परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस तो कंज्यूम आ जाएगा। कई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, वो सोचता, वो जब भी पढ़ता ना वो सोचता पेमेंट मेड टू क्रिएटर है, वो देखता नहीं कि स्टेशनरी परचेज दे रखा है, स्टेशनरी परचेज दे रखा है तो ये खाता बनाने की जरूरत नहीं होगी, मांगेगा तो बनाओ, बनाने की जरूरत नहीं होती, वैसे क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लो भाई, और स्टेटमेंट फॉर्म में करना है वैसे कर लो, ऊपर लिखोगे या हेडिंग जरूर लिखोगे अगर पेपर में करोगे, क्या लिखोगे कैलकुलेशन फॉर स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है, या स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, चलो।